हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विभा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी अपनी चैनल विभास लाइफ में। होप करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अभी देखिए हम बनाने जा रहे हैं आज नाश्ते में हरे मटर का छोला। हरा मटर आजकल आ रहा है बहुत, तो आज बना रहे हैं हरे मटर का छोला। हम बोले थे कि इस महीने भर हम कुछ नहीं खाएंगे बनाएंगे वाली, लेकिन ये जो है इनका मन कर दिया मटर छोला खाने का, तो बोले नहीं अभी तो सीजन है, अभी खाओ, फिर एक महीने बाद नहीं आएगा, तो इसलिए आज बनाने जा रहे हैं मटर का छोला। तो हम ये मटर को उबाल लिए हैं और आलू भी इसी में हम बॉईल कर दिए हैं। अभी इसको मसल देंगे, आलू डालेंगे तो ये पूरा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। हरा मटर उतना ज्यादा गाढ़ा होता नहीं है, जितना सूखा पिघल के मतलब घुल जाता है तेल में पूरा गाढ़ा हो जाता है ग्रेवी, उतना ये नहीं खुलता। तो इसमें आलू डाले हैं, आलू को भी इसी में मसल देंगे और मटर को भी अच्छे से, तो इसमें गाढ़ा हो जाएगा एकदम। तेल मेरा हो चुका है, इसमें अभी तेज पत्ता डालेंगे। उसके बाद ये जीरा ले लिए हैं, इसमें जीरा में खसखस है और जावित्री है, ये गरम मसाले में का जीरा हम लिए हैं, इससे स्वाद अच्छा आता है छोले का। आज मेरा ज्यादा था तो थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद हींग, हींग डाल दिए और ये प्याज, प्याज थोड़ा ज्यादा लिए हैं ताकि ग्रेवी गाढ़ा हो जाए। अभी ये मेरा प्याज आधा हो चुका है, अब इसमें ये हम कूट लिए हैं लहसुन, हरा मिर्चा और अदरक, ये सब कूट लिए हैं, अभी इसको डाल देंगे। इसको डाल करके अब बढ़िया से भून लेंगे। ठंडी बहुत है, दिन में ठंडी अब नहीं है, दिन में क्योंकि टाइट धूप निकल रहा है तो दिन में ठंडी नहीं पता चल रहा है, लेकिन अभी शाम को और सुबह में गलन है, तो अभी टोपी वोपी सब लगा के अभी ठंडी बहुत लगता है। अभी ये देखिए मेरा प्याज लहसुन मिर्ची हो गया है, अभी इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, छोला मसाला, अभी इसमें थोड़ा सा पानी मसाला पकने के लिए, पानी डाल दिए इसमें, मसाला जो सूखा डाले हैं वो बढ़िया से पक जाएगा ऐसे पानी से, सूखा मसाला तो जल जाता है नीचे। और ये भी मेरा मसल दिए हैं आलू मटर, एकदम महीन नहीं किए हैं, थोड़ा थोड़ा है, और इसको फिर सीटी लगेगा तो ये हो जाएगा। फिर ये मसाला हो चुका, अब इसमें डालेंगे ये मटर और आलू, और इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अभी देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया, इसमें अब पानी डालेंगे। थोड़ा सा ही पानी डालेंगे क्योंकि मटर ये अब पानी ज्यादा लेगा नहीं, उबला हुआ है सॉरी उबला हुआ है मटर, तो ये इसमें पानी ज्यादा सोखेगा नहीं, बस एक सीटी लगा के उतारना है हमको, तो अभी ये ठीक है इतना। अब इसमें नमक डाल के इसको बंद कर देंगे, हो गया मेरा छोला तैयार। या इसी कुकर में हम छोला ये मतलब मटर और आलू उबाले थे और इसी में फिर पलट के हम बना दिए छोला। बस इसको दो सीटी लगाएंगे, दो सीटी में अच्छे से पानी पक जाएगा, दो सीटी के बाद बंद कर देंगे। तो अभी मेरा दो सीटी आ चुका है, अभी इसका हम भाप निकालेंगे, या सीटी निकालेंगे, भाप तो अपने आप ही निकलेगा। और ये हम धनिया प्याज और
और ये छोला का नमकीन मेरा तैयार है और छोला भी तैयार। ये देखिए अभी मेरा बुदक रहा है छोला। अभी इसमें हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा और ऊपर से डालेंगे। ये देखिए मस्त हरा मटर का छोला बन के तैयार। अभी ये छोला निकाल दिए हैं, अब इसमें डालेंगे ऊपर से प्याज। और थोड़ा सा हरा धनिया, मिर्चा तो काफी डाले हैं तो मिर्चा ऊपर से नहीं डालेंगे खाने के लिए, मिर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया धनिया प्याज और ये हो गया सेब, ये जो छोला में पड़ता है सेब नमकीन वो। ये हम लोग का नाश्ता तैयार, आ जाइए सब लोग नाश्ता करने। ये है देखिए, ये है मेरा हरे मटर का छोला, हरा मटर और आलू का छोला ये तैयार है, अब खाएंगे हम लोग। अभी ये खा के बताएंगे कैसा बना है, खा के बताइए कैसा बना है। बढ़िया कहा। नहीं जैसा बनल हो वैसा बोला, बढ़िया बनल हो बढ़िया, खराब बनल हो खराब, वैसे अच्छा ही बनल हो। बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम एक नंबर, एक नंबर। दस में से एक नंबर, दस में से क्या नंबर? अच्छा नंबर वन पे है ये, एक नंबर का बना है, एक नंबर का, दस में से नहीं एक नंबर का बना है। बढ़िया है, बढ़िया। इन्हीं के मन से बना है ये छोला, इनका ज्यादा मन करता है खाने का। हम तो सोचे थे एक महीना, हम बोले भी थे आप लोगों से एक महीना डाइटिंग करेंगे, लेकिन ये बोले अभी टाइम है एक महीना खा लो फिर उसके बाद डाइटिंग होगा। डाइटिंग नहीं, जैसे हम तेल मसाला बोले थे कम खाएंगे, लेकिन इनका मन नहीं मानता भाई, इनको चाहिए। ठंडी का सीजन है ना, ठंडी का सीजन है। हाँ समोसा भी बनाना था हमको लेकिन नहीं बनाए, उसके लिए जाना पड़ता हमको मार्केट मैदा लेने, सब कुछ था बस मैदा नहीं था, तो ठंडी में कौन निकले। हमको इतना ठंडी देख रहे हैं, हमको ठंडी लग रहा है, इनको ठंडी ये नहीं लग रहा है, ये हाफ स्वेटर पहन के बैठे हैं, टोपी भी कभी नहीं लगाते, हम तो अभी लगाते हैं टोपी, हमको बहुत ठंडी लगता है। ये तो ठंडे पानी से नहाते भी हैं, कभी गर्म पानी से नहीं नहाते, हम तो हमेशा गर्म पानी से ही नहाते हैं, हमको तो बहुत ठंडी लगता है। ठंडी ठंडा पानी से नहाना ही चाहिए, ये बोलते हैं ठंडे पानी के नहाने के बाद शरीर गर्म होता है, और ठीक है ठंडे पानी से नहाने के बाद वो लगता है गर्म, गर्म से नहाने के बाद लगता है, लेकिन नहाने में जो जान निकल जाती है ठंडे पानी से, नहाते ही नहीं बनता, पहला मग ही नहीं होता। ये दे प्लेट, अच्छा बना है, टेस्टी है। तो बस अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, अब शाम को देखते हैं क्या खाना बनता है, बनता भी है कि नहीं बनता। दो लोग आए छोला खा के पेट भर जाए, बोला मैं पेट भर जाएगा तो नहीं। हाँ जनरल ड्यूटी था, 6 बजे आए हैं, मतलब अभी 6:30 पौने 7 हो ही गया, 7 बज गया है, तो अभी यही खा रहे हैं, तो फिर खाना क्या खाएंगे, बच्चे रहते हैं तो फिर बनाना पड़ता है, बनता है खाना। अभी तो दो लोग हैं, इतने में ही पेट भर जाएगा, तो हम लोग यहीं खा के सोएंगे। तो अगर आप लोगों को ये मेरा हरे मटर का छोला रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम लोग मस्ती में खा रहे हैं, मस्ती में सोएंगे। ठंडी है ना, अभी मेरा कंबल ऐसे ही पड़ा है,
अब कोई काम नहीं, ठंडी है, ठंडी में कौन पेट भरने से मतलब है ना, खाना है या जो भी है पेट भर रहा है, पेट भर जाएगा यही खा के अब सोएंगे। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही अच्छे से नई रेसिपी के साथ नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।